बड़ी अजीब हदीस है, लेकिन चूंकि नबी अकरम की हदीस है, हमारी किताब में मौजूद है, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उसके सही तर्जुमे को, सही मतलब को आपकी खिदमत में बयान कर सकूं। बड़ी सख्त हदीस है, बहुत बेदार रहिएगा। जुमले क्या है, नबी अकरम शाह फरमाते हैं, अरबअतुन फिद्दंबी शर्रुम मिनद्दंबी, चार चीजें ऐसी हैं जो गुनाह से ज्यादा बदतर होती हैं। है मेरे साथ, गुनाह से ज्यादा बदतर और क्या चीज हो सकती है? लेकिन नबी अकरम फरमाते हैं, जो गुनाह से भी ज्यादा बदतर है वो ये चार चीजें हैं। मैं आपकी खिदमत बयान करना चाह रहा हूं कि जब बच्चा बड़ा होगा, हो सकता है कि गुनाह करे, लेकिन ये चार चीजें ना करने वाला हो, ये चार चीजें उससे ज्यादा खतरनाक है। कौन सी चार चीजें हैं? फरमाया, अल इस्तिहकार वल इसरार वल इस्तिबशार वल इफ्तिखार। फरमाया, चार चीजें ऐसी हैं कि जो गुनाह से ज्यादा कभी हैं, उसमें से पहली चीज ये है कि वो गुनाह करे और गुनाह को करने के बाद में अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये गुनाह से ज्यादा कभी है। मेरे साहब बात समझा रख रहा हूं, अगर खुदा न खासा इंसान गुनाह कर ले और गुनाह करने के बाद कहे अल इस्तेकार, अरे इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, इससे बड़े बड़े गुनाह करने वाले लोग मौजूद हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि दोबारा से गुनाह करेगा? जब गुनाह की अहमियत ही नहीं समझ रहा, उसको वैल्यू नहीं दे रहा। बच्चा मिसाल के तौर पर खुदा न खासा मोबाइल के अंदर कोई गुनाह देख रहा है, कहे यार मेरे दोस्तों से ज्यादा बड़े बड़े गुनाह कर चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि गुनाह की आलूगी से वाकिफ ही नहीं, ये गुनाह से ज्यादा बदतर है कि इंसान गुनाह को गुनाह ना समझे। दूसरी चीज वल इफ्तिखार, बाज लोग इसे भी आगे होते हैं, क्या गुनाह तो गुनाह नहीं है, ये तो बहुत सारे दूसरे लोग भी करते हैं। बाज लोग ये कहते हैं, हमने गुनाह किया है, मुझे इस पर फख्र है कि मैंने किया है। और वो कब कहता है, अभी खवातीन के यहाँ पर तो महफिल नहीं, लेकिन शायद आवाज पहुंच रही होगी, कभी कभार इंसान गीबत कर रहा है और गीबत करने के बाद कहते हैं हम तो डंगे की चोट पर कहते हो, भाई वैसे गुनाह कर रहे हो फिर कह दो ढंगे की चोट पकड़ करके दिखाएंगे। बाहर ऐसे बदमाश लोग होते हैं, गलत काम किया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, अज़ियत पहुंचाई है, मां चुरा लिया, अरे हमने तो फला को इतना मारा था, उसे मार सारा चुरा ले, ये क्या है? सिर्फ गुनाह नहीं है, गुनाह पर इफ्तिखार है। मेरे साथ ये गुनाह से ज्यादा सख्तर है, ज्यादा बदतर है। दूसरी चीज, तीसरी चीज वल इस्तिबशार, ये और खतरनाक, कर नसीब ये कि ये इफ्तिखार करने वाले हैं, अपनी जात तक इन्होंने ये इफ्तिखार महसूस किया है, बल्कि जा जाकर दूसरों को भी बताते हैं, वल इस्तिबशार जाकर खुशखबरी देते बताते हैं, इस्तिबशार करते हैं कि देखो मैंने तो उसको दो लगाए थे, और आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी मायल करते हैं, आओ हमारे साथ, तुम्हें भी बदमाशी दिखानी है, आओ हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, ये और ज्यादा बदतर है। और चौथा और आखिरी है वल इसरार, जो इन सारी चीजों का खुलासा है कि गुनाह करना इतना कभी नहीं है जितना गुनाह पर इसरार करना कभी है। नहीं मालूम बात पहुंच रही है, पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, ये गुनाह से ज्यादा बदतर है। हमें अपने नौजवानों को इस तरह से ट्रेन करना है कि जब ये बड़े हो, खुदा ना खासा इंशाल्लाह वैसे तो किसी से भी कोई गुनाह ना हो, लेकिन अगर गुनाह हो जाए तो कम से कम ये चार आदतें उनके अंदर ना हो।